चीन की तस्वीर हमने आपको दिखाई, उसके जैसे हथकंडे हम नहीं अपना सकते, कोई भी लोकतांत्रिक देश नहीं अपनाना चाहेगा। इसीलिए भारत में ओमिक्रॉन को रोकने की जिम्मेदारी हम सबकी है। सरकार, ऑफिसर्स और जनता अगर मिल जाए तो ओमिक्रॉन का ये वेरिएंट हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अफसोस, जब हमें सबसे ज्यादा सतर्क होना चाहिए, हर स्तर पर लापरवाही नजर आ रही है। बीच सड़क पर एक महिला कांस्टेबल को गुस्से में धक्का देकर नीचे गिराने वाली इस महिला का नाम जागृति मिश्रा है। जागृति किस बात से तमतमाई हुई है ये आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले मौके पर मौजूद एक दूसरी महिला कांस्टेबल की इस हरकत को भी देख लीजिए। गुस्से में जागृति ने महिला कांस्टेबल को धक्का देकर गिराया तो दूसरी महिला कांस्टेबल ने उसे जूता मार दिया। ये मध्य प्रदेश के देवास की तस्वीर है, जहां स्कूटी से जा रही इस महिला ने मास्क नहीं पहना तो पुलिस ने रोककर चालान काटने की बात कही तो ये भड़क गई। पुलिस वालों से इनकी बहस हुई और नौबत धक्का मुक्की से लेकर जूता चलने तक पहुंच गई। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां जनता को सरेआम मास्क न लगाने के लिए सजा दी जा रही है, वहीं नेताओं की रैलियों में ये सारे नियम हवा हो रहे हैं। राज्यों का चुनाव जीतने के लिए सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, ये जानते हुए कि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी सबको चुनाव की फिक्र है। कभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए, तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराया जाए। सोचिए, जो दल हर मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं वो चुनाव के नाम पर गजब का भाईचारा दिखा रहे हैं। वहीं देश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। 33 दिनों बाद देश में फिर से 10,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट होने शुरू हुए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 13,000 से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं, जहां कुल कोरोना के तकरीबन 75% मामले हैं। जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि देश में केसेस की संख्या में एक कमी नोट की गई है, उसके थोड़ा विपरीत हम देखते हैं कि पिछले 33 दिनों बाद हमने 10,000 से अधिक केसेस देश में फिर से नोट होने शुरू हुए हैं। केरला में करीब 25.66% केसेस हैं और महाराष्ट्र में 21.3% केसेस एक्टिव केसेस हैं। यानी कि यह वह दो स्टेट हैं जहां पर 10,000 से अधिक संख्या में एक्टिव केसेस हैं। तीन स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 5,000 से 10,000 के बीच में एक्टिव केसेस हैं और 31 स्टेट अभी भी देश में ऐसी हैं जहां पर कि 5,000 से कम संख्या में एक्टिव केसेस नोट किए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 3,671 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जो बुधवार को 2,510 थे। कोरोना के नए मामलों को देखते हुए मुंबई में बुधवार को 45 के मुकाबले 88 इमारतों को सील कर दिया गया। इसी तरह मुंबई में एक्टिव कंटेनमेंट जोन की संख्या 1 से बढ़कर 4 हो गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 2,128 कोरोना के नए केस मिले हैं, जिसमें 1,090 केस अकेले कोलकाता में है। गौर करने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में बुधवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,089 थी, उससे ज्यादा केस अकेले कोलकाता में आज आ गए। कोरोना के बढ़ते केस इस महामारी को लेकर नए सिरे से जागरूकता की मांग करते हैं, लेकिन देश भर के शहरों में सतर्कता की जगह लापरवाही देखने को मिल रही है। लोग मास्क लगाना भूल गए हैं, तफरी के चक्कर में लोग अपनी और दूसरों की जान मुश्किल में डाल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।